नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शमिता टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं नॉनवेज के फ़ायदे और नॉनवेज के नुकसान के बारे में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी, आप दोनों प्रकार के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपको बहुत कुछ बताकर बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉनवेज खाने के फ़ायदों के बारे में, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत अगर पॉजिटिविटी से की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। नॉनवेज खाने का सबसे पहला फ़ायदा होता है दोस्तों कि नॉनवेज में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है, और प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छे से काम करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मेल को, यानी कि एक पुरुष को, एक दिन में कम 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है अच्छे से काम करने के लिए। महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और वहीं बच्चों को एक दिन में कम से कम 19 से लेकर के 34 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक अच्छी, एक स्वस्थ और एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो नॉनवेज में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो नॉनवेज काफ़ी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन हमारे मसल्स बिल्डिंग में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो नॉनवेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं, अगर आपको प्रोटीन की आवश्यकता है तो। नॉनवेज का दूसरा फ़ायदा होता है कि नॉनवेज में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो खून होता है उसका मेन काम होता है हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को ऑक्सीजन देना। तो ये जो RBC जो होता है, ऑक्सीजन को आयरन के हेल्प से ही पूरे शरीर में सप्लाई करता है। तो अगर हमारे शरीर में आयरन की ही कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे ऑर्गन्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर्स कई बार तो नॉनवेज खाने का सजेशन भी देते हैं। तो अगर आपके आयरन की कमी है तो नॉनवेज भी बहुत ही अच्छा विकल्प है आपका, आपके आयरन डिफिशेंसी में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का। दोस्तों, नॉनवेज जो है हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को बूस्ट करने का भी काम करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, ये एक प्रकार का मेल हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर के कद काठी, हमारे कंधों की मजबूती, हमारे शरीर की मजबूती को भी काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। हमारे बाल, हमारे दाढ़ी, इन सब चीज़ों को भी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन काफ़ी हद तक जो है डिसाइड करता है। तो अगर हम नॉनवेज का सेवन करते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स हमारे शरीर में बूस्ट हो जाते हैं, ऐसा स्टडी में पाया गया है। यही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ नॉनवेज में बहुत ही प्रचुर मात्रा में जिंक, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं अच्छे तरीके से काम करने के लिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी कि नॉनवेज खाने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्दी शरीर के लिए, ठीक उसी प्रकार से अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अधिक नॉनवेज का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। सबसे पहला चीज़ होता है दोस्तों, नॉनवेज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये होता है, ये हमारे लिए अनहेल्दी फैट होते हैं जो कि हमारे शरीर में जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये ओबेसिटी काज करते हैं, और ओबेसिटी होने की वजह से हमें तमाम तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर। तो नॉनवेज खाने से हमें अनसैचुरेटेड फैट का भी शिकार होना पड़ सकता है दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों, नॉनवेज खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल देखिए पहले तो बता दूँ, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएं। अगर आपकी रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का कचरा भी कह सकते हैं आप, अगर ये आपकी रक्त के धमनियों में जमा हुआ है तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ने से हमारे जो हमारे शरीर में जो भी जोड़ होते हैं, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, वहाँ वहाँ पे यूरिक एसिड का जो है जमाव हो जाता है, सिक्रीशन वहाँ पे बढ़ जाने की वजह से, जिससे हमें गठिया की शिकायत हो जाती है, हमारे हर जोड़ में पेन होगा, दर्द होगा दोस्तों।
तो नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों। अगली चीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि नॉनवेज एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच सोर्स होता है आयरन का, लेकिन आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो ऐसी स्थिति में आयरन का जो है जमाव कह सकते हैं हमारे शरीर में ज़्यादा हो सकता है, जो कि हमारे ब्रेन में अगर आयरन का जो है जमाव ज़्यादा हो जाएगा तो हमें अल्जाइमर होने का भी खतरा होता है। ये एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, तो नॉनवेज ज़्यादा खाने से अल्जाइमर की भी समस्या आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ नॉनवेज खाने के फ़ायदे और साथ ही साथ नुकसान। अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स के अनुसार, डाइटिशियंस के अनुसार, अगर आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार नॉनवेज का सेवन करते हैं तो ये नॉर्मल है, ठीक है, इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैंने आपके सामने दोनों सिक्के के दोनों पहलू रखे, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान। अब आप स्वयं इतने जानकार हैं, इतने बौद्धिक हैं कि आपको समझ में आएगा कि नॉनवेज आपको खाना है या नहीं खाना है, या फिर कितने मात्रा में खाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।